से जो चीज हासिल की जा सकती है वो तू तो मैं वैसे कभी हासिल नहीं की जा सकती। वो जिस तरह से गया है एक ऐसा छाप छोड़ गया है कि उसको भूलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ तुम्हें सड़क पर लावारिस छोड़ के चली गई है, इसमें तुम तो दोषी नहीं हो ना। कमल से कहिए क्लाइंट के रूम की सफाई करवाए और बेडशीट चेंज करे। एनी कंफ्यूजन? To my cabin without my permission. Sorry, ma'am. लेकिन मैं आपसे यहाँ ये कहने आई हूँ कि होटल के कमरों की बेडशीट बदलना मेरा काम नहीं है। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ अवेलेबल है, इसलिए ये काम अगर वही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है और ना ही मैं आपसे किसी काम के लिए ना कहने आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेडशीट नहीं बदल सकती। बदल सकती हूँ अगर इसके लिए हमारे पास स्टाफ अवेलेबल ना हो तो। जब मिस्टर ग्रेवाल ने मुझसे ये काम करने के लिए कहा और साथ में ये बताया कि आपके ऑर्डर्स हैं, तब मैं उन्हें भी मना कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं समझ रही हूँ आप मेरे साथ ऐसा सुलूक जानबूझकर कर रही हैं। मैं परेशान हो जाऊँ और खुद ये जॉब छोड़ दूँ, आपकी नज़रों से दूर चली जाऊँ, देन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मैम। मैंने ये जॉब छोड़ने का फैसला बहुत पहले कर लिया था, एंड आई रिस्पेक्ट सोनाली शिलार जी, इसलिए मैंने वापस ज्वाइन किया, लेकिन अब मैं खुद इस जॉब से रिजाइन करती हूँ क्योंकि मेरे लिए ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? दे गए हिम्मत जवाब? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा ये सिर्फ एक ही जॉब है, कि तुम बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। मेरे लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं जॉब के लिए 10 बार सोचूंगी, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रख कर नहीं। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ, नहीं करनी ऐसी नौकरी जिसमें मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। सॉरी कमल, तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। रेस्टिकेटेड? पर क्यों? सिमरन और उसके ग्रुप ने अपने एनएसएस रिसर्च में तुम्हारी माँ के प्रोफेशन के बारे में पता लगाया है। I'm sorry to say, हम अपने कॉलेज में ऐसे किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर सकते जो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। क्या बात है मानव, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम अपसेट हो, कल रात जिस तरह कमल ने मेरे साथ बर्ताव किया उसको लेकर, पर मानव इट्स ओके, यू डोंट फील गिल्टी। शायद मुझसे ही गलती हो गई थी कमल को समझने में, और वैसे मुझे अपने किए पर अफसोस है। तुम प्लीज परेशान मत हो मानव, कल रात की बात को लेकर तुम बुरा मत मानो।
मुझे तो तुम दोनों के लिए बुरा लग रहा है। मुझे लगता है मैं तुम दोनों का ही दोषी हूं। पता है अनीता, कभी कभी इंसान अपनी तकलीफों में इतना घिर जाता है कि उससे किसी और की तकलीफ नजर ही नहीं आती। मैं ना तो तुम्हारी तकलीफ समझ पाया और ना ही कमल की। मिस्टर गरेवाल, ख्याल रहे कि अगली बार से हमारे होटल में जिस किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हो उसका बैकग्राउंड जानने के बाद ही हो। मानो यहाँ ज्वेलर्स में मैंने कुछ डिजाइन बनाने को दिए थे, वो शायद तैयार हो गए होंगे, मैं लेकर आती हूँ। कमल, इतनी रात को तुम यहाँ अकेली? सड़क है, सड़क पर गाड़ियां हैं, दुकानें हैं मानव, जो सब कर रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ। और वैसे भी तुम अब मुझसे कोई सवाल ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं अब तुम्हारी जवाबदार नहीं हूँ। कमल, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम अनीता से इतनी रूडली क्यों पेश आए? अरे वो तो तुमसे माफी मांगने आई थी और तुमने बदले मुझसे थप्पड़ मार दिया। मुझसे गुस्सा थी तो अपना गुस्सा उस पर क्यों उतारा? मैंने कहा ना मानव, मैं तुम्हारी जवाबदार नहीं हूं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे हमारे बीच ही रहने दो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी आंखें खुली जरूर रहती हैं लेकिन इन्हें वो नहीं दिखता जो इन्हें दिखना चाहिए। माने कमल कि मेरी आंखें वो नहीं देख पाती जो इन्हें देखना चाहिए, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा कल आने वाले अमावस की रात की तरह काले अंधेरे जैसे गहरा होता जा रहा है, जहां उम्मीद के कोई किरण नहीं दिखाई देती। कैसी बातें कर रहे हो मानव, तुम्हारी जिंदगी का कोई भी पल अंधेरे में? तुम शायद भूल गए, कल अमावस की रात तो है लेकिन दिवाली भी तो है। तुम्हारी और अनीता की जिंदगी की पहली दिवाली जिसमें तुम दोनों एक साथ हो। अच्छी खासी वजह है तुम्हारे पास दिए जलाने की, अपने घर अंधेरे लम्हे को रोशन करने की। तुम देखा, हमारा चीजों को देखने का नजरिया ही अलग है, हमारी सोच अलग है, इसीलिए शायद हमारा रिश्ता कामयाब नहीं हो सका। एनीवेज, मैं चलती हूं। Area. पता नहीं कहां होगी अनीता बिटिया। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ मानव की वजह से हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसे। जब ये उम्मीद बनती है कि घर में सब कुछ ठीक होने वाला है, सुख चैन आने वाला है, तब वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है कि एक झटके में सारे उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। मैं देखता हूं नारायण। हेलो बाबा, अनीता का कोई फोन आया? नहीं बाबा, अनीता के डैडी को फोन करके पूछिए, शायद वो अपने घर गई हो। ये किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? तुम्हें पैदा करके मैंने कोई पाप नहीं किया कि हर बार तुम्हारी हरकतों की वजह से शर्मिंदा होना पड़े, मुझे सर झुकाना पड़े, समझे? नहीं नारायण, मुझे बात करना। तो हाँ, मैं भाटिया को फोन करता हूँ ये बताने के लिए कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हारी बेटी घर छोड़कर चली गई।
शर्मिंदा हो लेता हूँ एक दोस्त के आगे। इस बेटे के बाप को बहू संभालने भी नहीं आती है, जाने। हाँ भाटिया, अनिता बेटी तुम्हारे यहाँ है क्या? हाँ आई है, और जब से आई है सिर्फ रोई जा रही है। अनिता, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अनिता ये क्या बेवकूफी है? नहीं मानव, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं अब सब कुछ समझने लगी हूं। मैं जानती हूं कि तुम कमल को नहीं बुला सकते, कभी भी नहीं। यही बेहतर होगा कि मैं तुम्हारा और कमल के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊं। मैं अब यही हूं जहां मुझे होना चाहिए। अनिता तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कमल का और मेरा रिश्ता नदी के दो किनारों जैसा है, जो कभी नहीं मिल सकते। हम दोनों को साथ देखकर तुम्हें ऐसा जरूर लगा होगा कि हम अभी भी मिलते हैं, लेकिन हमारा मिलना जमीन और आसमान के जैसा है, जो दूर से मिलते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन करीब जाकर देखो तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती। ट्रस्ट मी अनिता, घर चलो। याद है तुमने शादी से पहले कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो फिर अब अपनी वादे से क्यों मुकर रही है? तैयार हो जाओ, अपने घर चलना है, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है जिग्ना चाची, आपकी तो हर बात सच निकलती है। सिंपैथी गेन करने का अच्छा तरीका बताया आपने, मानव की लगाम अब हाथ में आ सकती है। तो बैलेंस शीट से टैली करवाइए, आखिर टैक्सेस भी तो इनकॉर्पोरेट करने हैं ना। कम इन। मैम, जो अमेरिकन डेलीगेट्स आने वाले हैं उनके साथ सारी डीलिंग कमल ने की थी, और अब वो बार बार फोन करके कमल के बारे में ही पूछ रहे हैं। मैम, हमें कमल के बारे में बार बार बहाने बनाने पड़ते हैं। मुझे लगता है कमल के काम से बहुत खुश है, वो और किसी से बातें नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। तो हम क्या जवाब देंगे मैम उसे कि कमल जॉब छोड़ के चली गई? मैम, कमल ने ये नौकरी छोड़ के हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिसओबे किया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कमल को ये नौकरी छोड़ने से कम एक महीने का कंपनी को प्रीवियस नोटिस देना होगा, जो कि उसने नहीं किया। शी कांट लीव द जॉब ऑल ऑफ सडन। गुड। हेलो, कमल ग्रेवल है? यस। कमल, तुम ये जॉब अचानक नहीं छोड़ सकती, शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को भूल गई हो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लेटर, तुम्हें ये जॉब छोड़ने से कम एक महीने का कंपनी को नोटिस देना होगा, जो कि तुमने नहीं किया। पर कमल, वो अमेरिकन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं जिनके साथ तुमने डील किया था, और आगे भी तुम्हें ही उनके साथ डील करना होगा। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आ जाऊंगी। मैडम, यू डोंट वरी एट ऑल, मैं इस बिजनेस में पिछले 10 सालों से हूँ, कितने सारे लोगों को कितने सारी कंट्रीज में नौकरी दिला चुका हूँ, लेकिन आज तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टचवुड। वैसे मैडम, ये कंपनी के सारे पेपर्स हैं, आप एक बार फिर से ध्यान से सारे पेपर्स देख लीजिए। बस फिर क्या है, आपके वहां पहुंचने की देर है, आपकी नौकरी वहां आपका इंतजार कर रही है। और मैडम, रही बात आपकी स्टडीज की, तो इस नौकरी के साथ आप अपनी स्टडीज बड़े आराम से कंटिन्यू कर सकती हैं। मिस्टर भट्ट, मैं ये जॉब इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, बल्कि ये जॉब करते हुए मैं अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना है। मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। I want to prove my individuality। इसीलिए मैं आपसे इतने सारे सवाल कर रही हूँ। ये जॉब तो बस, I understand। But you don't worry। ये देखिए,
ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड। आइए मैडम। और ये मेरा लाइसेंस। और हाँ, जिस कंपनी में आप वहां काम करने वाली हैं, रेप्यूटेड फर्म। और दूसरी बात, वहां जिस अपार्टमेंट में आप रहने वाली है, उस अपार्टमेंट में भी सारे अच्छे लोग ही रहते हैं। क्या दीदी, ये तो वही है जो भोली भाली मासूम लड़कियों को नौकरी, दौलत और अच्छे भविष्य का लालच देकर परदेश भेजता है और वहां उनसे गलत काम करवाता है। तो पूरा 420 है दीदी। शंभू, हमें पता करना होगा कि असल बात क्या है। पता करना होगा। पता नहीं, जो अमेरिकन डेलीगेट्स आए हुए हैं वो कमल और कमल के काम से काफी प्रभावित है। सर, एक हफ्ता हो गया डेलीगेट्स को आए हुए, कमल के बारे में छोटी सी भी कंप्लेंट नहीं और बहुत खुश है उसके काम से। और आज उनका आखिरी दिन है और उनके आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए वो लोग इंडियन फोक डांस देखना चाहते हैं। सर, अगर आप कहें शुड बी ऑर्गेनाइज, कमल विल डू इट। नो मिस्टर गुप्ता, आई विल ऑर्गेनाइज। उस डांस ट्रूप को ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। मिस्टर लाल, मैडम मैं क्या बताऊं मैडम, दरअसल बात यह है कि ये लड़कियां बाल डांसर्स हैं। ग्रेवाल। यस मैम। ये डांसर्स कहां से आए, किसने बुलाए? क्या बात है मैम, कोई खास बात? मैडम, ये डांस तो कमल ने ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि अमेरिकन डेलीगेट्स के साथ वही डील कर रही है। मिस्टर ग्रेवाल, शायद आपको ये मालूम नहीं कि ये सारी की सारी बार डांसर्स हैं। क्या? मेरा और मेरे होटल का इतना बड़ा इंसल्ट। मैम, कमल इस कदर गिर सकती है कि वो हमारे होटल में बार डांसर्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दे? दिस इज डिस्गस्टिंग। नाइस, वेरी नाइस। मेरे होटल में बियर बार डांसर्स को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। लेकिन मैम, मैंने ऐसा कुछ। बेशर्मी की भी हद होती है। एक तो गंदी गिरी हुई हरकत करती हो और ऊपर से मासूम बनकर उस हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। मैं जान गई हूँ तुम किस तरह की लड़की हो। अपने बियर बार की डांसर्स को प्रमोट करने के लिए तुम्हें मेरा ही होटल मिला था। मैम प्लीज, आप पिछली बार जब मैंने तुम्हें होटल से निकाला था तब मेरी फ्रेंड सोनाली की पैरवी पर तुम वापस आ गई थी।
उसके सामने अपना दुखड़ा रोककर, और मैंने तुम्हें रख भी लिया था, बट नाउ यू कांट इवन गो टू सोनाली विथ योर सॉप स्टोरी, अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी मैम, मैं अपना दुखड़ा नहीं रो रही, मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैंने होटल में बियर बार डांसर्स को नहीं बुलाया था, और रही बात इस जॉब की, तो मैं खुद अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऐसी जगह नौकरी नहीं करना चाहती जहां बॉस को अपने एम्प्लॉइज पर बिल्कुल भी विश्वास ना हो। आई एम क्विटिंग मैम, आई एम क्विटिंग।